लास्ट लेक्चर वी विल सी व्हाट इज द वेरियस एम्बेडेड सिस्टम्स रिलेटेड कंपाइलर्स अवेलेबल. ओके सो देयर आर बेसिकली टू कंपाइलर्स अवेलेबल लास्ट वी विल डिस्कस. ओके सो आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द बेसिक प्रोग्रामिंग ऑफ माय एम्बेडेड सिस्टम्स. ओके सो 8951 दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज 8951C प्रोग्राम टू रीड द नंबर 1 फ्रॉम पोर्ट 1 एंड नंबर 2 फ्रॉम पोर्ट 2 एंड देन एड देम. ओके मीन्स आप लोगों को एक नंबर है जो पोर्ट 1 से लेने का है और दूसरा नंबर आपको पोर्ट 2 से लेने का है, वो दोनों नंबर की एडिशन करना है और आपका उसका जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट आपको पोर्ट 3 में स्टोर करना है. तो ऐसा ये आज का पूरा प्रोग्राम होगा. ओके सो इसके लिए बेसिकली देखो छोटा सा प्रोग्राम देखो हम कैसे लिखते हैं. तो उसमें देखो ये जो फर्स्ट आपका जो पार्ट है मतलब इंक्लूड रजिस्टर 51 पॉइंट है, ये आपका सिंटैक्स है, ये कॉमन रहेगा. वॉइड मेन वॉइड फर्स्ट लूप हम देने वाले हैं तो वॉइड मेन वॉइड हम यूज़ करेंगे. तो उसमें देखो टोटल फर्स्ट और तीन है, तीन ही ना, पोर्ट 1 पोर्ट 2 और पोर्ट 1 पे डेटा लेने का है, पोर्ट 2 को डेटा लेने का है, दोनों को ऐड करना है. उसका रिजल्ट अपने को पोर्ट 2 पोर्ट 3 पे सेव करने का है. मतलब कितने कैरेक्टर हो गए, तीन कैरेक्टर, 1, 2 एंड 3, ए बी सी. मतलब ए में से हमको दो लेने का है, बी में से अपने को दो लेने का है और उनका जो रिजल्ट है वो सी को देने का है. ऐसा है ये आज का प्रोग्राम है. देखो सो पोर्ट 1 को हमको मतलब अनसाइन आपका जो कैरेक्टर्स है ए बी सी क्या है कैरेक्टर्स है, वो तीनों कैरेक्टर क्या है अनसाइन कैरेक्टर है. तो उसके बारे में हम देखेंगे कि इनका तीनों का हम एडिशन करेंगे. ओके हम इनका तीनों का हम क्या करेंगे, हम दोनों का एडिशन करेंगे मंथ अनसाइन कैरेक्टर ए बी सी तीन यूज़ करने का. ओके उसके बाद में पोर्ट 1 से डेटा अपने को लेने का है, मतलब 0F0XFFH मतलब हेक्साडेसिमल फाइल आ गया. पोर्ट 2 0XFFH ओके पोर्ट 2 का डेटा आ गया. ओके दोनों इनपुट है तो इसके लिए क्या है 0XFFH आएगा इनपुट के लिए. ओके सो ए पे ए डेटा है पोर्ट 1 पे, बी डेटा है पोर्ट 2 पे, समझ गए आपको. इनपुट आउटपुट पोर्ट असाइन करने के लिए सपोज आपको पोर्ट 1 और पोर्ट 2 इनपुट पोर्ट असाइन करने को होगा तो 0XFFH ये इंस्ट्रक्शन है. ओके सो ए पी पोर्ट 1 पे ए डेटा है सो ए इज इक्वल टू पोर्ट 1. ओके देन पोर्ट 2 पे जो होता है बी इज इक्वल टू पोर्ट 2, दोनों का एडिशन सी करने का है, मतलब सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो रिजल्ट जो आपका आएगा वो पोर्ट 3 पे चाहिए ना, तो इसके लिए हमें इसके रिजल्ट पोर्ट 3 इज इक्वल टू सी. तो ये आपका हो गया आज का एक छोटा सा प्रोग्राम. ओके तो उसे हमने बेसिकली क्या किया है, 1 में से डेटा लिया है, बी में से डेटा लिया है, दूसरा डेटा सी में स्टोर किया है. ओके ये फर्स्ट आपका प्रोग्राम हो गया. बाद में हम दूसरा प्रोग्राम देखेंगे कि 8951 प्रोग्राम टू रीड द नंबर 1 फ्रॉम पोर्ट 1 एंड नंबर 2 फ्रॉम 2 एंड देन सबट्रैक्ट देम. ओके सो सेम आप सेम हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा लास्ट प्रोग्राम में देखा था इंक्लूड रजिस्टर 15.h कॉमन वर्ड मेन 1 कॉमन, हम लूप डालने वाले हैं इसलिए वो वर्ड मेन 1 इंस्ट्रक्शन डाल के ये सेमी कॉलम देने चाहिए. ओके उसके बाद में आंसर कैरेक्टर ए बी सी पोर्ट 1 इज इक्वल टू 0XFFH हमने वो देखा, पोर्ट 2 इज इक्वल टू 0XFFH हमने वो भी देखा. सो ए पे डेटा है पोर्ट 1, बी पे डेटा पोर्ट 2 सेम. ओके सो लास्ट का जो भी प्रोग्राम है वो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो प्लस है ए प्लस बी है ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है दोनों का क्या आएगा माइनस आएगा. मतलब ए डेटा और बी डेटा, ए डेटा पोर्ट 1 में सेव है और बी डेटा पोर्ट 2 पे सेव, दोनों का क्या है माइनस होगा और उसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा पोर्ट 3 पे. तो ऐसा डाल के सेमी कॉलम दे दीजिए, देखो यहाँ पे भी सोलो कॉलम दिया है. ठीक है तो ये आपका हो गया सेकंड प्रोग्राम. अब थर्ड प्रोग्राम क्या है, थर्ड प्रोग्राम हम देख लेते हैं. थर्ड प्रोग्राम भी सिंपल है, 8951 प्रोग्राम टू रीड द नंबर 1 फ्रॉम पोर्ट 1, नंबर 2 फ्रॉम पोर्ट 2 एंड देन फाइंड ग्रेटर नंबर एंड स्टोर इन द पोर्ट 3. मतलब पोर्ट 1 का जो डेटा है, पोर्ट 2 का जो डेटा है, उसमें से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने का है और उसको पोर्ट 3 पे क्या करने का है सेव करने का है. तो देखो हम सिंपल उसका प्रोग्राम ही देखेंगे आज. ओके सो इंक्लूड 51.8 अपना कॉमन, बाद में वॉइड मेन वॉइड कॉमन. ओके अनसाइन कैरेक्टर ए बी सी कॉमन, पोर्ट 1 0XFFH कॉमन, पोर्ट 2 0XFFH सब कॉमन, ए इज इक्वल टू पी 1 कॉमन, बी इज इक्वल टू पी 2 कॉमन. जो भी लास्ट लेक्चर लास्ट देखो आपको कभी भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये जो आया ना तो ये यहाँ पे देखो कॉमन ही है यहाँ तक. ओके अब उसके बारे में हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी. ओके ये क्या है ग्रेटर देन बी से है. ओके मतलब हमने क्या बोला प्रोग्राम अपना क्या था कि जो भी ग्रेटर नंबर होगा उसको पोर्ट 3 पे सेव करने का है. ओके तो देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, अब सपोज हम असाइन कर लेते हैं कि किस तरह का प्रोग्राम, हाँ ऊपर गया. ओके
इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ऐसा कंसिडर करेंगे ए बड़ा है बी से, तो क्या हो जाएगा, पोर्ट थ्री पे ए का ए डेटा चलेगा, मतलब ए में का डेटा जो है पोर्ट थ्री पे चलेगा, अदरवाइज जो भी पोर्ट थ्री का डेटा है वो बी पे चले जाएगा। मतलब समझ गया आपको यहाँ पे क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मीनिंग क्या है, सपोज ए डेटा बड़ा है बी से तो क्या होगा, बड़ा वाला डेटा पोर्ट थ्री पे जाएगा। हमारा प्रोग्राम वही से था ना, प्रोग्राम देखो क्या था, 8095 प्रोग्राम टू रीड द नंबर वन फ्रॉम पोर्ट वन, नंबर टू फ्रॉम पोर्ट टू एंड देन फाइंड ग्रेटर नंबर, ओके मतलब जो बड़ा नंबर होगा उसका, एंड स्टोर इनटू पोर्ट थ्री, स्टोर इनटू पोर्ट थ्री। तो हमने वहाँ से वही से किया ना, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन पोर्ट वन इज इक्वल टू ए, अदरवाइज पोर्ट थ्री इज इक्वल टू बी। ओके समझ गया, ये आपका हो गया अनदर प्रोग्राम। ओके ऐसा सिमिलर प्रोग्राम देखेंगे। ओके ये हो गया आपका ग्रेटर देन का, बाद में हम देखेंगे कि स्मॉलर नंबर का। ओके 8095 प्रोग्राम टू रीड द नंबर वन फ्रॉम पोर्ट वन, नंबर टू फ्रॉम पोर्ट टू एंड देन फाइंड स्मॉलर नंबर, स्टोर दिस नंबर इनटू पोर्ट थ्री, स्टोर द नंबर इनटू पोर्ट थ्री। ओके तो ये ठीक है, तो देखो नेक्स्ट प्रोग्राम है सेम है, सिर्फ स्मॉलर नंबर जो है पोर्ट थ्री पे सेंड करने का है। ठीक है तो देखो, इंक्लूड रजिस्टर बिटवीन कॉमन, वाइड मेन वन कॉमन, आंसर कैरेक्टर ए बी सी कॉमन, पोर्ट वन इनपुट 0xFF। देखो ये ध्यान में रखो, इनपुट पोर्ट के लिए 0xFF इंस्ट्रक्शन है, पोर्ट टू इज इक्वल टू 0xFF, पोर्ट वन पोर्ट टू दोनों भी आ गया। अब सपोज ए डेटा पोर्ट वन पे है, बी डेटा पोर्ट टू पे है, सपोज ए इज स्मॉलर, देखो स्मॉलर बोला उन्होंने स्मॉलर, ओके सो ए इज स्मॉलर देन बी, ओके मतलब ए क्या है छोटा है, तो पोर्ट ए पे पोर्ट थ्री जाएगा, अदरवाइज पोर्ट थ्री डेटा चल जाएगा। तो ये आप आज का हो गया, अपन देखा कि जो भी चार इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी स्मॉल प्रोग्राम से, फर्स्ट हमने प्रोग्राम देखा एडिशन का, बाद में देखा सब्ट्रैक्शन का, उसके बाद में देखा जो भी ग्रेटर नंबर हैं उसके प्रोग्राम, और एक है स्मॉलर नंबर का प्रोग्राम। ओके तो आज को आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क ये है कि सभी प्रोग्राम आप लिख कर मुझे पर्सनल, आपका जो भी मतलब आप लिख के देखिए, और प्रोग्राम लिखने के बाद आप खुद का एनालिसिस करिए कि ये प्रोग्राम करेक्ट है या बराबर है। ओके आपके टीचर से भी आप चेक कर सकते हो, और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हमारे चैनल पे जो भी रिसर्च रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसकी वीडियो हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं। ओके तो हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट इस चैनल को कर लीजिए। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके सो ये जो एम्बेडेड सिस्टम का जो भी सिलेबस चल रहा है, ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एम्बेडेड इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है, तो ये जो प्रोग्रामिंग का पार्ट है ये थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।